हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भव्य रूप से देश भर में मनाया गया। इंदौर में पार्टी कार्यालय पर मुख्य आयोजन हुआ। यहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। सभी विधायक नेता पदाधिकारी यहां भगवा टोपी में आए। पार्टी कार्यालय से छावनी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। जावरा कंपाउंड स्थित पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौर, महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदौला, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे सहित कई नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पार्टी कार्यालय से शुरू होकर शोभा यात्रा छावनी से होते हुए वापस कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान नेता, कार्यकर्ता देशभक्ति नारे लगाते हुए चले। कार्यालय पर अपने संबोधन में कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के सफर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कई कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचा है। एक समय पार्टी को काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। जनसंघ के समय कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारे जाते थे, लेकिन आज फूल बरसाए जा रहे हैं। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि हमारे संस्थापकों की दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्हें पता चल गया था कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। आज भाजपा ने तुष्टीकरण, जातिवाद की राजनीति को विकास की राजनीति से हराया। प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, शुभकामना दी और अपेक्षा की कि जनसेवा का संकल्प लें। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंत्योदय के दौरान इसे अपेक्षा की थी कि एक अंतिम व्यक्ति की हम सेवा करें, गरीब की गरीबी दूर करें, सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों को इस विपरीत परिस्थिति में अनाज प्रदान कर रही है। मतलब देश के प्रधानमंत्री गरीब के किचन का, उनके रसोई का भी ध्यान रख रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकल्प है ये प्रधानमंत्री जी का। इसके साथ ही अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, यह आज के समय में उन्होंने सबको संकल्प लेने का अनुरोध किया है। और सबसे बड़ी बात ये कही कि उन्होंने कहा कि मैं भी कार्यकर्ता हूँ जैसे आप कार्यकर्ता हैं, हम सब मिलकर पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करें और गरीब व्यक्ति के घर तक पहुँचें, उसकी गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार कर रही वो योजनाएं पहुँचाएँ और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं कि कल भारत का है दुनिया के अंदर दिन। दुनिया को यदि कोई मार्गदर्शन दे सकता है तो भारत दे सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि सभी मंडलों पे, नगर केंद्र पे, प्रत्येक पोलिंग बूथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी 1560 पोलिंग बूथ पे, 28 मंडलों पे और हमारे महानगर के कार्यालय पे भी शोभा यात्रा के माध्यम से हमने पहले झंडा वंदन किया, फिर एक भव्य शोभा यात्रा समाज के बीच में हम गए और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। और ऐसा सभी 28 मंडलों पे भी हुआ और नीचे पोलिंग बूथ पे भी सभी कार्यकर्ताओं ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड।